हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, एमएस वर्ड के पिछले वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड के होम टैब के सारे ग्रुप्स एंड ब्लॉक, ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। हम एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। आप एमएस वर्ड को बहुत तरीकों से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है। आप उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं रन कमांड के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करना है। और जैसे ही आप विंडो आर बटन प्रेस करते हैं, आपके सामने रन का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको विन वर्ड टाइप करना है। जैसे ही आप विन वर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है या माउस के द्वारा ओके पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने होम टैब के सारे ग्रुप्स एंड ब्लॉक, ऑप्शन एंड कमांड और एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन में मैंने एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में सारा कुछ बता दिया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में आपको टोटल 7 ब्लॉक्स शो कर रहे हैं। पेज ब्लॉक, टेबल्स ब्लॉक, इंस्टॉलेशन ब्लॉक, लिंक ब्लॉक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। बारी बारी से हम इन सारे ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे। हमारा सबसे पहला ब्लॉक है पेज ब्लॉक। इस ब्लॉक में आपको जितने भी ऑप्शन शो कर रहे हैं, वो सारे पेज से रिलेटेड ऑप्शन हैं। हमारा पेज ब्लॉक का सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। इस ऑप्शन की यूज से आप अपने इस डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड का एक क्रिएट किया हुआ कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ वर्क कर लेता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट कमांड पिछले वीडियो में बताया था। इसके द्वारा आप आसानी से एमएस वर्ड में 3 पैराग्राफ फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल टू आर ए एन डी शिफ्ट के साथ 9 और 0 को प्रेस करना है, जिससे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 पैराग्राफ फिल हो गया। मैं इसे इंटर बटन प्रेस कर नीचे कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, कवर पेज ऑप्शन के यूज से आप अपने इस बनाए गए डॉक्यूमेंट में सबसे फर्स्ट पेज में एक कवर पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कवर पेज के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने इतने सारे कवर पेज शो कर रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सबसे फर्स्ट पेज में ये कवर पेज इंसर्ट हुआ है, और जो मैंने डॉक्यूमेंट में वर्क किया वो सेकेंड पेज में इंसर्ट हुआ। इसके हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव सा कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल में आप अपने जो भी आपने वर्क किया उसका टाइटल को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से टाइटल टाइप कर दिया है। इस ईयर वाले ऑप्शन में आप आसानी से ईयर को टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप एमएस वर्ड में एक कवर पेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस कवर पेज को रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कवर पेज के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको सिंपली अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कवर पेज रिमूव हो गया है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। इस ऑप्शन के यूज से आप अपने डॉक्यूमेंट में एक नया पेज ले सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा एक नया पेज यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अगर आप और भी नया पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा पेज इंसर्ट होते जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में 5 पेज इंसर्ट हो गए हैं। अगर आप इन पेज को रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है।
इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सारा इंसर्ट किया हुआ पेज डिलीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। इस ऑप्शन की यूज से आप अपने पेज को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इन दो पैराग्राफों को फर्स्ट पेज में और ये जो तीसरा पैराग्राफ है उसे आप सेकेंड पेज में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर इसे ले जा सकते हैं, या आप सिंपली अपने माउस के कर्सर को सेकेंड पैराग्राफ के बाद इंटर प्रेस जैसे ही आप करते हैं हमारे माउस का कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता है और उसके बाद आपको सिंपली पेज ब्रेक पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा दो पैराग्राफ फर्स्ट पेज पर और तीसरा पैराग्राफ जिसके बाद मैंने पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ किया था वो हमारे दूसरे पेज पर इंसर्ट हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा पेज ब्रेक हो गया है। और अगर आप इसे फिर से वापस से पहले जैसा करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने माउस के कर्सर को सबसे फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर लाना है और उसके बाद बैक स्पेस की प्रेस करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट फिर से फर्स्ट पेज पे आ गया है। इस तरह से आपने सीखा पेज ब्लॉक में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।